जिला एथलेटिक्स संघ द्वारा आयोजित क्रॉस कंट्री प्रतियोगिता के उद्घाटन के अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि प्रदेश भाजपा मीडिया सह प्रभारी नरेंद्र अत्री ने कहा कि पूर्व में एथलेटिक्स में हिमाचल प्रदेश का राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्व एवं नेतृत्व कर चुके हैं। नरेंद्र अत्री ने युवाओं व धावकों को मंच प्रदान करने के लिए जिला एथलेटिक्स संघ का आभार जताया। नरेंद्र अत्री ने कहा कि किस तरह की प्रतियोगिताओं से समय समय पर धावक व खिलाड़ी अपना आंकलन कर सकते हैं, वे उसी आधार पर अगला लक्ष्य प्राप्त करने के लिए योजना बना सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के एथलेटिक्स कोच ठाकुर भूपेंद्र सिंह, जिला खेल अधिकारी रविशंकर, जिला अध्यक्ष पंकज भारतीय, प्रशिक्षक अनिल शर्मा, एथलेटिक्स कोच अनूप सिंह राणा, प्रशिक्षक रजनीश शर्मा, एथलेटिक्स संघ के जिला सचिव संदीप डडवाल, एथलेटिक्स कोच राजेंद्र कुमार, आयोजन सचिव विजय राणा, एथलेटिक्स संघ के पदाधिकारी समेत 200 धावक धाविकाओं ने भाग लिया। मैं बधाई देता हूं जिला एथलेटिक्स संघ के पूरी टीम को, जिन्होंने आज के शुभ अवसर पर अपना जिला स्तर का जो आयोजन है, खेल प्रतियोगिता है, उसका आयोजन रखा और बहुत अच्छा मंच यहाँ उपलब्ध है हमारे युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का। विभिन्न श्रेणियों में विभिन्न आयु वर्ग के जो हमारे धावक धाविकाएं हैं, उनको अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर जिला एथलेटिक्स संघ ने प्रस्तुत किया है और चुने हुए खिलाड़ी जो हैं राज्य स्तर पर और उसके उपरांत राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। मैं बधाई देता हूं और आशा व्यक्त करता हूं कि आने वाले समय में एथलेटिक्स संघ और अधिक इस तरह के आयोजनों को आयोजित करके ये सुनिश्चित करेगा कि हमारा प्रत्येक युवा खेल के मैदान में आए, ताकि शारीरिक व मानसिक तौर पर वो सशक्त बने और आने वाले समय में अपने व्यक्तिगत पारिवारिक लक्ष्यों की प्राप्ति के साथ साथ समाज व राष्ट्र के प्रति जो उसके दायित्व हैं, उनका भी बखूबी निर्वाह करें, ऐसा मेरा विश्वास है। धन्यवाद।